और अब स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि हरमन बवेजा इज द नेक्स्ट एक्टर जो पूरे देश को हिला देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस ऋतिक रोशन लुक अलाइक ने अपनी पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही आशुतोष गोवारिकर, संजय लीला भंसाली, अनीस बाजमी जैसे फिल्म मेकर्स को इम्प्रेस कर दिया है। Well, Vikram, I don't know and don't mind me saying, क्योंकि बड़े-बड़े मेकर्स को तो इम्प्रेस उपेन पटेल ने भी किया था, लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही सिनेरियो बदल गया था। Well, अब इस बारे में मैं नेशनल टेलीविजन पर क्या कहूँ, आप हरमन बवेजा को देखिए और खुद ही डिसाइड कर लीजिए। फिल्म एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है, इसमें रोबोटिक कैरेक्टर्स हैं, इसमें जो विलन है उसकी अपनी आइडेंटिटी है और there is a air bike which flies, there is a hovercraft car flying cars. So हम इस तरह की चीज़ें we can excite the children by making such things so that they associate with them and they buy them. I think merchandising बहुत cool है, अगर लोगों को फिल्म पसंद आती है तो लोग फिल्म का एक हिस्सा अपने साथ घर ले जा सकते हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीइंग क्लोज टू योर फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द फिल्म, सो आई थिंक इट्स वेरी कूल। अफसोस मैं राइटिंग में कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकता हूँ, मेरे डैड डायरेक्टर हैं, मुझे घर आना है, सोना है। जब मैंने उनको पहली बार रेड बार में देखा था तो मैं चला गया था, मतलब मैंने उनको डबल टेक, मतलब आई जस्ट वॉक पास्ट एंड देन आई रियलाइज दैट इट इज हर सिटिंग देयर बिकॉज़ शी लुक्ड सो ड्रामेटिकली डिफरेंट। लव स्टोरी 2050 हैज बीन प्रमोटेड वेरी वेल। मैं तुम्हें वापस कह रहा हूँ कि ये फिल्म डेफिनेटली वॉनबी क्रिश या कोई मिल गया है। अब देखो ना, वहाँ जादू जादू हो रहा था और यहाँ बूबू हो रहा है। Okay, fine, I agree. That reminds me, Hrithik Roshan ने 2003 में कहा था, I had like to change everything about my looks. लगता है उन्हें पहले से ही अंदाजा हो गया था कि उनके लुक अलाइक हरमन इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं, तभी तो उन्होंने पहले से अपनी लुक के बारे में ऐसा बोलना शुरू कर दिया।